Hello everyone, in this video we will do multiple choice question on security aspects. Let us start with the first question. Which one of the following can be considered as the class of computer traits? In which kaun sa option computer trait consider hota hai? First we have DOS attack. DOS stands for denial of service attack. Is attack mein kya hota hai? Computer system completely hack ho jata hai and the computer system denies to provide its services. Aap computer ki koi bhi service ko use nahi kar sakte ho, right? To ye kya hai? Computer trait hai. To aapka option 1 correct hai. Baki ki option भी देख लेते हैं. फिशिंग क्या होता है? जब आपके पास फ्रॉड मेल्स आते हैं, फ्रॉड ईमेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिनके अंदर फ्रॉड लिंक्स होते हैं, अगर आप उन लिंक्स पर क्लिक कर देते हो तो क्या होता है? आपका क्रूशियल इंफॉर्मेशन, आपका क्रूशियल डेटा लॉस्ट हो जाता है, राइट? नाउ वी हैव सॉलिसिटिंग. सॉलिसिटिंग क्या होता है? इट अलाउज क्रिमिनल्स टू स्टील सेंसिटिव डेटा एंड मनी बाय इंपर्सोनेट a co-worker. तो यहाँ पे क्या होता है? नेटवर्क में आपके पास क्या होता है? रिक्वेस्ट आती है फ्रॉम अ co-worker, राइट? बट वो आपका co-worker नहीं होता है, वो क्या होता है? हैकर होता है, राइट? एंड दैट हैकर स्टील्स योर क्रूशियल इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, राइट? तो आपके पास अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स मतलब जो बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, ओके, अनवांटेड ईमेल्स आते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? उनको आप बोलते हो स्पैम, राइट? स्पैम क्या होते हैं? बल्क में ईमेल्स होते हैं, राइट? ओके, कमर्शियल पर्पस के लिए ये ईमेल्स क्या होते हैं? दे आर सेंड टू द नंबर ऑफ द पीपल, राइट? और इनको क्या कहा जाता है? स्पैम. Now, which of the following usually observe each activity on the internet of the victim, gather all information in the background and send it to someone else? ऐसा कौन सा आपका वायरस होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो क्या होता है, आपकी सारी की जितनी भी आप एक्टिविटी इंटरनेट पे करते हो उसको ऑब्जर्व करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को बैकग्राउंड में रहकर गैदर करता है, कलेक्ट करता है और आपकी क्रूशियल इंफॉर्मेशन किसी और को सेंड कर देता है, राइट? तो ये होता है आपका स्पाईवेयर, राइट? स्पाईवेयर क्या है? इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन्ड टू एंटर द टारगेट डिवाइस, राइट? क्या होता है? ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो टारगेटेड डिवाइस होती है, कंप्यूटर होता है, उसके अंदर ये चला जाता है और बैकग्राउंड में रह के उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्या होता है? थर्ड पार्टी के पास पहुंचा देता है, राइट? Which one of the following is a type of antivirus program? Antivirus क्या होता है? वो programs होते हैं जो virus को क्या करते हैं? आपके system में आने से रोकते हैं, right? तो यहाँ पे हमारे पास कुछ option है, Quick Heal, McAfee, Kaspersky. तो ये सारे के सारे क्या है? Antivirus program है. तो यहाँ पे आपका option 4 correct है, all of the above, right? Now, इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और अ हार्डवेयर डिवाइस डेट फिल्टर्स ऑल डेटा पैकेट्स कमिंग थ्रू द इंटरनेट. तो यहाँ पे किसकी बात करें? या तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा या फिर वो हार्डवेयर डिवाइस की फॉर्म में होगा जो क्या करता है? सारे डेटा को फिल्टर करता है आप जो इंटरनेट के थ्रू आपके सिस्टम में आ रहा है. ओके, अ नेटवर्क एसेक्टर, इट इज नोन एज. तो ये क्या है हमारे पास? फायरवॉल. फायरवॉल क्या करता है? अगर आपने फायरवॉल एज अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है या एज अ हार्डवेयर उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है तो वो आपके इंटरनल नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखता है फ्रॉम एक्सटर्नल नेटवर्क, राइट? तो अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हो तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो फिल्टर होके आएंगी, राइट? वो जितनी भी छोटी से छोटी चीज को चेक करने के बाद इंटरनल नेटवर्क के पास सेंड करता है, फाइन? इन सिस्टम हैकिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट क्रूशियल एक्टिविटी. जब सिस्टम हैक किया जाता है कोई भी सिस्टम तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है वो होती है क्रैकिंग पासवर्ड. तो जितने भी पासवर्ड्स होते हैं उनको क्रैक करके इंफॉर्मेशन को स्टील करना, राइट? Which one of the following is actually considered as the first computer virus? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कंसीडर होता है, जिसको फर्स्ट कंप्यूटर वायरस माना जाता है? तो वो है क्रीपर, राइट? क्रीपर क्या है? एक प्रोग्राम है वो जो अपने आप को रेप्लीकेट करता है, राइट? एंड स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. ये ऐसा प्रोग्राम है जो खुद को रेप्लीकेट करता है, खुद की कॉपीज बनाता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, राइट? इट इज क्रिएटेड बाय बॉब थॉमस इन अर्ली 1971. इसको किसने इन्वेंट किया था? बॉब थॉमस ने इन्वेंट किया था एज एन एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटर प्रोग्राम, ओके? और किस तरह के
इसको इन्वेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट एज अ कंप्यूटर प्रोग्राम इसको इन्वेंट किया था, बट इट बिकेम अ वायरस. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रेफर टू एज मेलिशियस सॉफ्टवेयर. मेलिशियस सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है? मालवेयर को कहा जाता है, राइट. मालवेयर क्या है? कलेक्टिव टर्म है, ओके, जो किसके लिए यूज होती है? ऑल काइंड ऑफ वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, ओके, एंड हार्मफुल प्रोग्राम्स, उन सबको हम क्या कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? मालवेयर, राइट. Now, in the computer networks, the encryption techniques are primarily used for improving the computer network. में आप encryption techniques का use करते हो. Encryption techniques का मतलब आप data को encrypted form में network के through क्या करते हो? Send करते हो, right? जिससे वो steal हो तो वो detect ना हो पाए कि क्या data है, right? तो ये किस लिए किया जाता है? ये security purpose से किया जाता है, right? Which of the following is considered as the world's first antivirus program? तो वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है? रीपर है, जो किसको डिटेक्ट करता है? क्रीपर को, जो वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है? वायरस है, राइट. और उसके उसको डिटेक्ट करने के लिए जो एंटीवायरस प्रोग्राम बनाया गया वो क्या था? रीपर, राइट. तो यहाँ पे ये क्या है? ये क्रीपर की कॉपीज को डिटेक्ट कर सकता था, डिलीट कर सकता था, राइट. तो रीपर क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर टाइप अलाउ द अटैकर टू अटैक द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स एंड इनेबल हिज और हर टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग ही वांट्स टू डू विद द इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स. तो ऐसा कौन सा मालवेयर है जो क्या करता है? अटैकर को अलाउ करता है कि वो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को हैक कर ले, अपने अंडर ले ले, ओके, और सिस्टम के साथ जो करना चाहे, जैसे करना चाहे वो वैसे कर सके. तो इसका आंसर है आपका रेड्स. रेड्स स्टैंड फॉर रिमोट एक्सेस ट्रोजन और रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, राइट. वो क्या करता है? इट कैन कंट्रोल एनीथिंग, ओके, और इट कैन डू एनीथिंग ऑन द टारगेट डिवाइस रिमोटली, राइट. आप रिमोटली मींस कहीं दूर से बैठ के आपने एक सिस्टम को हैक कर लिया, उसके पूरे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हैकर के हाथ में आ गया है, तो वो क्या करेगा? वहां बैठे बैठे सिस्टम, अगर वो बहुत दूर है, आउटसाइड कंट्री है, वहां बैठे बैठे भी वो सिस्टम में जो करना चाहे वो कर सकता है, ओके. तो आपका करेक्ट ऑप्शन है रेड्स. को बोलेंगे रिमोट एक्सेस ट्रोजन और यू कैन से रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स, राइट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट मेलिशियस प्रोग्राम दैट नेवर रिक्वायर्ड एनी होस्ट प्रोग्राम. ऐसा कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम है जिसको होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी और प्रोग्राम के साथ अटैच होने की जरूरत नहीं पड़ती? तो वो प्रोग्राम होता है वॉर्म. वॉर्म कैसा वायरस है? जो अपनी खुद की कॉपीज बनाता रहता है और जितनी भी मेमोरी होती है सिस्टम में उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट. सिस्टम को पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देता है, राइट. तो यहाँ पे वॉर्म क्या है? इंडिपेंडेंट malicious program है, right? Which works, which makes its own copies, right? In order to ensure the security of the data or information, we need to dash the data. अगर हमें अपने data की security के लिए आप क्या करोगे? आप data को करोगे encrypt, right? Encrypt क्या होता है? Encrypt is a type of method in which The plain text is converted into cipher text. जहाँ पे plain text को किस में convert कर दिया जाता है? Cipher text. Cipher text means coded form में. Okay? And only the authorized user can decrypt it back to the plain text by using the right key. और decrypt क्या होता है? उसको again convert कर देना plain text में, right? तो यहाँ पे data security के लिए data को किस में convert कर दिया जाता है? Encrypt form में convert कर दिया जाता है, जिसे हम cipher text भी बोलते हैं. Okay? Which of the following known as the oldest phone hacking techniques used by the hackers to make free calls? तो यहाँ पे phone hacking technique कौन सी है जिसका hackers use करते थे free calls करने के लिए? वो है हमारे पास phreaking, right? उसको बोलते हैं हम phreaking. Which of the following tracks your data and activities then pop up some advertisement? तो यहाँ पे वो कौन सा आप वायरस होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? आपकी डेटा और एक्टिविटीज को ट्रैक करता है, उसके बेसिस पे आपके पास एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो वो होता है एडवेयर, राइट.